हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाकिस्तान सुपर लीग 2019 के 21st मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 1 मार्च की शाम को 5 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला होगा दुबई में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनकी बल्लेबाजी मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लगती है, क्योंकि उनके पास कैमरन डेल पॉट, फिल्प सॉल्ट, ल्यू ग्रॉन्की जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। और वही अगर मैं पेशावर जलमी की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास कामरान अकमल जैसे बल्लेबाज, उमेद आसिफ, डैरन सैमी, मिसबाह उल हक, कैरन पुलाड, डेविड मलान और उमर अमीन जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में जो है पेशावर जलमी का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 60 दूंगा पेशावर जलमी की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं पेशावर जलमी की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज हैं वह हैं वहाब रियाज, हसन अली, समिन गुल, लियम डॉसन जैसे गेंदबाज दोस्तों। और वहीं अगर मैं जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनकी गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उनके पास शाइबज़ादा फरीम, आसिफ अली, मोहम्मद मूसा, समित पटेल, शादाब खान, रुमान रईस, मोहम्मद सामी जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों, और जहीर खान और अहमद बट जैसे गेंदबाज हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो भले ही बल्लेबाजी में जो है पेशावर जलमी का पल्ला भारी हो, पर गेंदबाजी में मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 56 दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की गेंदबाजी को और 44 दूंगा पेशावर जलमी की गेंदबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो इन दोनों टीमों के बीच जो PSL 2019 में इससे पिछला मुकाबला जो हुआ था इन दोनों टीमों के बीच, वो पिछला मुकाबला जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया था। और अगर मैं इस मुकाबले की बात करूँ और इस मुकाबले के विजेता की बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला पेशावर जलमी जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 56% चांसेस है पेशावर जलमी के मैच जीतने के और करीबन 44% चांसेस है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच पेशावर जलमी नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।